जय मसीह की। मैं सेलिना फिर विजनरी टीवी पर हाजिर हूँ आप लोग से मिलकर परमेश्वर के वचन से चर्चा करने के लिए। परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं और क्या सिखाना चाहते हैं हम वचन से देखेंगे और नया नियम में हम यीशु के दावा से सुनेंगे। यीशु ने क्या दावा किया था, यूहन्ना 2:19 से हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। देखिए कितना बड़ा, इतिहास में किसी ने ऐसा दावा नहीं किया है कि मंदिर को कैसे तोड़ के फिर 3 दिन में खड़ा करने के लिए, है ना। ये इतिहास का दावा है, एक धार्मिक व्यक्ति यीशु मसीह का दावा। तो यहाँ वचन में क्या बताया गया, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि यहूदी ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। परंतु उसने अपनी देह की मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीत की। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आपका न्यूज़पेपर और टीवी में सारी दुनिया के चर्चा में सुनने आता है कि लोग कितने पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना समय बर्बाद कर रहे हैं, कितना माथा फोड़ी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है मंदिर का स्थापना करने के लिए, संसार के मंदिर का स्थापना करने के लिए। लेकिन या तो यीशु मसीह ने कहा, ये मंदिर को मैं ढा दूंगा और तीसरे दिन मैं इसको खड़ा कर दूंगा, फिर बना दूंगा। बात अलग की है, आत्मिक बात, आध्यात्मिक बात। अब हम जरा सब लोग हम ध्यान से सोचने का बात है यहाँ, है ना। आज आप और मैं कितने पैसा बर्बाद कर देते हैं, चाहे मसीह लोग हो चाहे गैर मसीह हो, आज संसार में मंदिर के लिए मरते हैं। मंदिर ईंट और पत्थर और वो मिट्टी का मंदिर के लिए हम मरते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ज़मीन के लिए हम एक दूसरे को मारपीट करते हैं, मार देते, ख़त्म कर देते। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, हम यहाँ से बहुत कुछ सीखने के बात है हमारे जीवन में, है ना। और यहाँ यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जब यहूदी का 46 साल लगे हुए मंदिर, 46 साल लगा हुआ था, सोचिए यहाँ 46 साल लगा वो मंदिर को खड़ा करने, यीशु मसीह ने बोला मैं इसको ढा दूंगा, इसको मैं सब खत्म कर दूंगा, फिर तीसरे दिन में इसको मैं खड़ा कर दूंगा। वाह भाई, कितने खुशी की बात है, ऐसे काम करने वाले लोग हमारे जीवन में मिल गए तो क्या बात चाहिए, क्या चाहिए, है ना। लेकिन यह बात देखिए, आत्मिक बात, आत्मिक खुशी की खबर है, यहाँ खुशी का खबर। हमें वो परिश्रम करने का जरूरत नहीं, उस मंदिर बनाने के लिए चिंता सोच पैसा रुपया खर्च करने का जरूरत नहीं। और दूसरी बात, अब तो यीशु मसीह आने का समय हो गया, अब अपने मंदिर को तैयार करना है, आत्मिक मंदिर, ये शारीरिक मंदिर में जहां यीशु मसीह रहना चाहते उसको हमें तैयार करना है। हम देखेंगे यहां, है ना। पहली बात हम यहाँ देखेंगे कि मंदिर के बारे में हम जब देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो मंदिर के ज़्यादा लालसा रखते, कौन सा मंदिर का लालसा रखते यीशु मसीह, उस मंदिर के बारे में हम देखेंगे। कोरिन्थियों का पुस्तक 1:3-16 से हम पढ़ेंगे यहाँ कि किस मंदिर का लालसा हमारे प्रभु यीशु मसीह रखते हैं, आइए हम देखेंगे। यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यही तो यीशु मसीह कह रहा था कि मंदिर, दूसरे मंदिर, मिट्टी लकड़ी से पत्थर से बनाए हुए मंदिर में परमेश्वर नहीं रहता है। इसीलिए प्रभु ने बोल दिया कि, और दूसरे मंदिर के बारे में बता दिया, जिस शरीर, ये जीवित शरीर में जीवित परमेश्वर का वास करते हैं। और दूसरी बात हम यहाँ देखेंगे इसी संदर्भ में कि कैसे हमारे इस मंदिर को फिर तीसरे दिन में, जैसे यीशु मसीह ने कहा था यहाँ कि यीशु मसीह ने क्या, परंतु अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है ना, आप सारा इतिहास संसार गवाह है, यीशु जब क्रूस पर मारे गए थे, गाड़े गए थे, तीसरे दिन में जी उठे थे। यीशु का कब्र खाली है, आज भी गवाह है, यीशु का कब्र आज भी खाली है, यीशु वहाँ नहीं रहे थे, तो जी उठे थे यीशु मसीह। और जीने के बाद में यीशु ने कि सपने 500 से ज़्यादा लोग ने देखा, यीशु कहाँ चले गए, स्वर्ग में चले गए। और यीशु ने क्या बोला, फिर मैं आऊँ
आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, पूरी की पूरी प्रतिज्ञा करके गए, वायदा करके गए। इसीलिए हमें यीशु को कहने का वो फुट स्टेप, जो स्टेप है यीशु ने जो हमें बताए गए हैं, एक एक स्टेप उसके आदर पर हमारा जीवन निकालना है, उसके आदर पर हमें जीना है, ताकि तभी ही हम खुशी से जी पाएंगे, नहीं तो हम निराश हो जाएंगे। लोग निराश है, भय है, आतंक है, अभी हर तरह की बीमारी, हर तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस, लड़ाई झगड़ा सुन सुन के लोग डर गए हैं, उनके कल की सपना सजाना बेकार जैसा लगने लगा। लेकिन हम आज मसीह लोग, प्रभु यीशु मसीह के जो लोग हैं, जो यीशु में विश्वास करते हैं और जो यीशु में अभी विश्वास नहीं करते, उनको भी करना चाहिए, उनको भी यीशु के आने को, यीशु जब आए, आने का विश्वास का आया था, उसको भी ऊपर विश्वास करना है, आने वाले हैं उसके ऊपर भी विश्वास रखना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह केवल धर्म जाति के लिए नहीं आए, प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए, पूरी संसार में जितने भी मानव जाति उनके लिए आए। और यीशु ने कहा, मैं ये मंदिर को ढा दूंगा, तीसरे दिन में खड़ा कर दूंगा। यीशु को कहने का मतलब ये था कि मुझे लोग मारेंगे, मुझे लोग जमीन के नीचे दफना देंगे, मैं फिर तीसरे दिन में जी उठूंगा। तो जब ये मंदिर है, हमारा शरीर जो है यह मंदिर है, जो हम भी मसीह में विश्वास करने वाले लोग भी जब हम मर जाएंगे, जैसे यीशु मसीह जी उठे, ऐसे हम भी मरेंगे नहीं, हम बदल जाएंगे, हमारा शरीर वो महिमामय शरीर में बदल जाएगा। तो यही यीशु मसीह कर रहे हैं कि हम मरेंगे नहीं, मतलब हम नरक में नहीं जाएंगे, हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, है ना। तो यहाँ हम देखेंगे इसी योहन्ना के पुस्तक हम 11 अध्याय में, जब यीशु और लाजर का बात हो रहा था, यीशु का बहुत ही निकट के जो दोस्त थे लाजर, वो ख़त्म हो गया था, मर गया था, है ना, वो मर गया था। उसके बाद में उसको दफना दिया था, है ना। दफनाने के बाद में जब वहाँ लोग ने बोलने लगे कि अब ये तो सड़ गया है, मर गया है ना, तो उसके बारे में बताएंगे कैसे फिर यीशु ने यहाँ क्या बातचीत किया। वही जो यीशु मसीह में विश्वास करने वाले के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आते आत्मा में, वो एक मंदिर है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन में वास करता है, ये शरीर है, ये शरीर में जब यीशु मसीह का आत्मा वास करता है, कैसे वास करेगा, हमें यीशु को इनविटेशन देना है, न्योता देना है, निमंत्रण करना है, तब जाके हमारे हृदय में यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा आएगा, उसका टेम्पल है हम लोग, उसके मंदिर है हम लोग, है ना। तो मंदिर क्या करेगा, वो शरीर है वो ढा जाएगा, लेकिन हम आत्मा फिर परमेश्वर के पास चला जाएगा तो जीवित रहेगा। तो यहाँ वचन से पढ़ेंगे, यहाँ क्या किया, जब लाजर मर गया, तब यहाँ जब वो सड़ रहा था, प्रभु ने उसको फिर दोबारा जिलाया और जिंदा हो गया। उससे पहले मार्था और यीशु मसीह बातचीत कर रहे थे, हाँ प्रभु हम जानते हैं अंत के दिन में वो जी उठेगा, अंत के दिन में मतलब जब यीशु मसीह बादल में लेने आएंगे, तब वो मुर्दों में से जी उठेगा, है ना। लेकिन यहाँ यीशु मसीह ने उसका मुर्दों में से जिलाया, जीवित किया इस संसार में भी रहने के लिए, क्योंकि हमें दोबारा मरना तो है। वो लाजर दोबारा मर गया फिर, और दोबारा मरने के बाद में उसका आत्मा तो नरक में नहीं जाएगा। यही यीशु मसीह बार बार चिंता करते, यही है यीशु मसीह हमारे फिक्र करते हैं, ताकि हमारे आत्मा नरक में ना जाए। ये शरीर हमारा टेम्पल है। आज कलीसिया, सारे कलीसिया कौन है, जो भी मसीह में विश्वास करते हैं वो कलीसिया है। इसीलिए तो हमें संसार के मंदिर चर्च एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ये मिट्टी है, ये पत्थर है, ये ना यही ख़त्म हो जाएगा। हमें चाहिए चर्च चाहिए, क्योंकि हम मिलजुल के वहाँ संगति करने के लिए, आराधना स्तुति करने के लिए। लेकिन जैसे ही मसीह विश्वासी लोग, प्रभु के जो चेले लोग, जो प्रभु का डिसाइपल है, जो प्रभु में विश्वास करने वाले लोग हैं, जैसे उस चर्च से निकल जाएगा, चर्च बेकार का एक क्या हो जाएगा, गुफा बन जाएगा, वहाँ कोई उपस्थिति नहीं होता है। उपस्थिति आज हमारे जीवन में, पवित्र जीवित परमेश्वर जीवित शरीर में रहना चाहते हैं, है ना। तो हम यहाँ देखेंगे क्या बातचीत हुए थे, यहाँ 23 में हम पढ़ेंगे, 11 के 23 में, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा, है ना। तो मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में
पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। पुनरुत्थान का समय मतलब कोई एक लोग को जब यीशु मसीह जैसे पुनरुत्थान हो गए, यीशु मसीह 3 दिन बाद में जी उठे, ऐसे हमारा भी ये शरीर जो बाइबल के अनुसार वचन के मुताबिक जो परप्रभु यीशु मसीह जब बादल में आएंगे कब्र खुलेगा, लिखा है कब्र खुलेगा, वो मुर्दा फिर निकल जाएगा कि प्रभु के पास जाने के लिए, और हम जो जिंदा है हम बदल जाएंगे, महिमामय शरीर में हम बदल जाएंगे। तो ये है खासियत मसीह में रहने का, हमें चिंता करने का जरूरत नहीं। तो यीशु मसीह भी यही बात को हमें बार बार जोड़ देते हैं कि हमारे संसार हमेशा के लिए नहीं है, और दूसरी बात नरक और स्वर्ग हमेशा के लिए हैं। अगर नरक में जाना है वहाँ भी हमेशा का जिंदगी, हमें तड़पते तड़पते टर्चर में, आग और आग के भट्टी में, गंधक में बार बार वहाँ हमें करोड़ों 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 साल वहीं रहना है। जैसे ही फिर स्वर्ग भी ऐसा है जहाँ अनंत का जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ खुशी के साथ, जहाँ बहुत ही आनंद ही आनंद है, उस जगह के बारे में प्रभु यीशु मसीह बार बार हमें बताते हैं। बाइबल हमें ये चीज़ को बताती है ना, बाकी कोई चीज़ ऐसे खास बताते नहीं, कोई धर्म ग्रंथ हमें ये सारे बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते, क्योंकि कोई हमारे लिए मरा नहीं बाकी धर्म ग्रंथ में, लेकिन बाइबल में यीशु मसीह वो जो हमारे पापों के लिए मरे थे, एक ही व्यक्ति आज धरती पर आए जो हमारे लिए फिक्र किया, चिंता किया, वो क्रूस पर बलिदान हुआ, अपने शरीर को सूली पर बलि चढ़ा दिया आप हमारे मानव जाति के लिए ना। तो यहाँ लिखा है कि मार्था ने उनसे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय में वो जी उठेगा। यीशु ने उनसे कहा, अब ध्यान से यह बात सुनिए, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, पुनरुत्थान भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ, कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, इसका मतलब स्वर्ग में जिएगा, है ना। तो और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा, है ना। हम जो जीवित है हम बदल जाएंगे और अनंत काल तक कभी नहीं मरेंगे, हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो यहाँ यीशु मसीह यही बोल रहे हैं कि संसार के, यीशु मसीह का दावा यही है, ये संसार को जो टेंपल है, मंदिर है, चाहे बड़े बड़े गिरजाघर हो, चाहे बड़े बड़े बाकी धर्म जाति लोग को अलग अलग तरह के लोग के अलग अलग प्रकार के घर हो, अलग अलग नाम से कहलाया जाता है, सब यही रहेगा, ये ख़त्म हो जाएगा, मिट्टी है। हम इसमें क्यों लड़ पड़े, हम इसमें क्यों झगड़ा करें, इसमें क्यों हम मारामारी करें, है ना। हमें चिंता नहीं करना है, चाहे हमें चर्च मिले ना मिले, है ना, हम पेड़ के नीचे बैठ के भी हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, ग्राउंड में बैठ के भी, कहीं भी बैठ के हम आशीष स्तुति आराधना कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम, हमारा अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, हम वो जीवित परमेश्वर को फिर कैसे हम आराधना स्तुति करेंगे, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर का आत्मा जब हमारा हृदय में आता है, ये जीवित शरीर में, तब हम जानेंगे कि जिंदा खुदा कौन है, कौन जिंदा है हमारे लिए। तो हमें जब जिंदा ईश्वर, ईश्वर को, जिंदा परमात्मा को हम जब पहचानेंगे, तभी हमारा स्तुति आराधना भी मायने रहता है, तभी हमारा स्तुति आराधना में भी ताकत होता है, ताकि स्वर्ग में जो परमेश्वर है उनके नाम उच्च होता है। तो इस कारण से आज हमें इस धरती का यीशु मसीह इस इरादे में, यहाँ कोई घर, बड़ा चर्च, बड़ा मंदिर, बड़ा टेम्पल का कोई मायने नहीं रहता है। हम इसमें ना लड़े ना पड़े, ना जमीन ना मंदिर का कोई बारे में हम लड़े ना झगड़ा करें, बल्कि हम अपने अपने मंदिर को तैयार करें। अब यीशु मसीह आने वाले हैं, हमें ले जाएंगे, वो पूरी मंदिर को प्रभु यीशु मसीह उठा के नहीं ले जाएगा, जो ये मंदिर है पवित्र आत्मा का मंदिर है ना, वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम हो मंदिर। जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है वो परमेश्वर का मंदिर है। वो मंदिर कैसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, पवित्र अपवित्र नहीं होना चाहिए। कैसे पवित्र हो सकते हैं, यीशु के रगत से, यीशु के लहू से हम पवित्र होते हैं, और उसके साथ साथ प्रति घंटा प्रति मिनट चलने से हम पवित्र बन सकते हैं। हम बाएं दाएं नहीं देखना है,
है ना। इस कारण से परमेश्वर का वचन आज हमें यही कहता है, हमें संसार का अब हमें व्यस्त नहीं रहना है संसार के मंदिर टेंपल ये सब बनाने में, क्योंकि वो यहीं रह जाएगा, वो मिट्टी है, वो पत्थर है, यहीं को यहीं रह जाएगा। लेकिन ये आत्मा में जो हम परमेश्वर का मंदिर है, ये फिर हम उस मंदिर में मिलेंगे जो हमारा पवित्र परमेश्वर है, उसी के साथ हमें फिर मुलाकात होगा, उसी के साथ हम मिलेंगे। चाहिए हम प्रार्थना करें हम सबको पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा जो मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं उनको पवित्र आत्मा उनको दर्शाए बताए ताकि ये मंदिर को कैसे पवित्र रखना है, कैसे तैयारी करना है। अब हमारा दुल्हा आने वाले हैं, वो दुल्हन को लेने के लिए हम दुल्हन है, यीशु मसीह दुल्हा है, तो हमें बराबर तैयारी रहना है, उस शरीर का श्रृंगार नहीं आत्मिक श्रृंगार के साथ हमें तैयारी रहना है। कभी भी आ सकते हैं यीशु मसीह, क्योंकि ये सारे संसार के चिन्ह हमें दिखा रहा है, बता रहा है ना। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, जो बातें आपने हमारे संसार के मानव जाति के बीच में जो बातें आपने बता दिया है, खुलस्त रूप में बता दिया है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। ये वचन शैतान आके करप्ट न करे, इसको ध्वंस न करे, बल्कि ये पवित्र आत्मा बार बार इंसान के हृदय में बातचीत करे। अब हमारे आत्मिक जीवन मजबूत होना है, पवित्रता से भरना है, जब मसीह हमें बादल में लेने आएंगे तब हम उनके साथ मिल सकें। प्रभु धन्यवाद, अब हमें वो चिंता के आत्मा ना दीजिए ताकि हमें संसार में बड़े बड़े घर मंदिर तैयार करें, वहाँ एक दूसरे को प्रभु भेदभाव रखें, ये सारे बात भूलकर अब हम अपने अपने पवित्रता में मंदिर को हम तैयार करें, शारीरिक जीवित मंदिर को तैयार करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे, अनुग्रह करे, और फिर मिलेंगे विजनरी टीवी पर। गॉड ब्लेस यू। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, और अगर आप उसके प्रेम को देखना चाहते हैं हमारे पास आइए विजनरी टीवी पर। ज्वाइन अस ऑन विजनरी टीवी। सुनिए विजनरी रेडियो कहीं भी कभी भी किसी भी समय 24 घंटे और सातों दिन।